हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज मयंक, योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चे जल्दी से सारे लोग कमेंट करके बताओ मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है बेटा। अगर आ रही है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। ठीक है बच्चा लोग, कमेंट फास्ट एवरीवन। दिस इज मयंक शुक्ला, योर एजुकेटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आई हैव क्वालिफाइड मैनी एग्जाम्स लाइक कैट, SSC CGL, SSC CHSL, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली 30,000 कोर्ट एंड मैनी मोर एग्जाम्स। आई एम अ प्लस वेरीफाइड एजुकेटर ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म। तो बच्चे जल्दी से जितने भी लोग हो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो पहले। ठीक है, चलिए बेटा, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में गिवन है बच्चे। ठीक है, साथ ही साथ बात करें तो अनअकैडमी फीचर में आपको मिलता है रेज अ हैंड का फीचर, अनलिमिटेड क्विजेस, एनी टाइम एनीवेयर क्लास अटेंड करने का फीचर, अपॉर्चुनिटी मिलती है द बेस्ट एनुअल एलुमनी से सीखने की, वीकली इवेंट्स होते हैं आपके, एक्सेस मिलता है नेशनल मॉक टेस्ट और सेशनल टेस्ट का। लेट्स क्रैक क्लैट बैच बेटा है आपका। एक्सेलेंस बैच फॉर क्लैट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है, जो कि आपका 18th ऑफ फेब से स्टार्ट हुआ है। साथ ही साथ 23rd फेब से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, माइटी लीगल क्रैश कोर्स बैच। ठीक है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ रैंक बूस्टर बैच फॉर क्लैट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए स्टार्ट हो रहा है 23 2022 से। एंड लेट्स क्रैक NLSAT बैच बेटा 21 ऑफ फेब से स्टार्ट हो रहा है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। लाइव क्विज फीचर की बात करें तो बेटा इसमें चाहे तो आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर क्विज में होस्ट कर सकते हैं। यूलेट अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है 60 मिनट का, 60 क्वेश्चन है 60 मार्क्स का, एवरी सैटरडे सुबह 11 बजे। ठीक है बच्चे, क्लैट कॉम्बैट की बात करें तो 27 फेब से आपका 3 PM से स्टार्ट हो रहा है, 3 PM पर। ठीक है, आप इसमें बहुत सारे वक्त रुपीज़ 1 करोड़ रुपीज़ तक के जो है इसमें आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, एनरोल करने के लिए आप यूज़ करें मेरा कोड काशी10, KASHI10। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे की बात करते हैं तो बेटा स्पेशल क्लास फीचर्स में आपको मिलती है इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लर्नर्स के लिए पोल, रेज अ हैंड का फीचर। आपकी क्लासेस मिस नहीं होती क्योंकि आप कभी भी क्लास डाउन आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन आती है, आप लेक्चर नोट डाउनलोड कर सकते हैं और एनीवेयर एनी टाइम क्लास अटेंड कर सकते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आप सभी के सामने, कमेंट करके आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बेटा इसका आंसर बताइए सारे लोग, क्या हो जाएगा आपका आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए बेटा सारे लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कमेंट करके आंसर बताइए क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, जल्दी से बताइए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तो बेटा क्या है आपका, ये
एक्स की पावर 1/3, वाई की पावर 1/3 और आपका जेड की पावर 1/3। तो बेटा आपका एक तरीका, आपका एक कंसेप्ट होता है कि अगर मैं कहूँ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो उस कंडीशन में आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू जीरो होता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC। बेटा ये कंडीशन होती है आपकी, ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ। अब देखो जैसे आपका एक्स प्लस वाई माइनस जेड है आपका, ठीक है, तो समझिएगा अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपका क्या है, ये आपका क्यूब रूट एक्स प्लस का क्यूब रूट वाई माइनस प्लस का माइनस मैंने कह दिया माइनस का क्यूब रूट जेड बराबर आपका जीरो। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। तो बेटा इस कंडीशन में आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा आपका 3ABC हो जाएगा, यानी कि माइनस का 3 एक्स की पावर 1/3, वाई की पावर 1/3 और जेड की पावर 1/3। तो बेटा ये इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपका लिख सकता हूँ। तो अगर मैंने लिख दिया, ठीक है ना, मैंने लिख दिया माइनस 3 एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर प्लस सॉरी गल नहीं लगेगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई में है सारे, ठीक है, y की पावर 1/3, z की पावर 1/3, तो प्लस में हो जाएगा इधर 3x टू पावर 1/3, y टू पावर 1/3 और z टू पावर 1/3। तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, जीरो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए बात क्लियर है सभी को, जल्दी से बेटा बात क्लियर है सभी लोग कमेंट करके बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ सारे लोग, बात क्लियर है? अगर बेटा ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप सभी के सामने है, कमेंट करके जल्दी से इसका आंसर बताइए कि क्या होगा, ठीक है। जल्दी से बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा इसका आंसर, कमेंट फास्ट एवरीवन। जल्दी से बताइए बेटा क्या हो जाएगा आंसर। कमेंट फास्ट एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर। देखिए जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपका क्या है, टू मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल AD एंड BE इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एट पॉइंट G। इफ AD इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड BE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ BD इज, आपसे ये पूछा गया है। चलिए जी बात करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो बेटा जैसे कि आपका एक ये ट्राइंगल हो गया, ठीक,
एक ये आपका ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ए डी आपकी एक मीडियन हो गई और बी ई आपकी एक मीडियन हो गई। सबसे पहली बात कह दिया गया कि बेटा ये जो बी डी और ए बी ई और ए डी का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये बेटा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है और ये पॉइंट हो गया आपका जी। ठीक, तो आपकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है मीडियन का उसको हम लोग कहते हैं क्या, सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं बच्चा, सेंट्रॉइड कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। आई बात समझ में? अगर सेंट्रॉइड कहते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक, तो सेंट्रॉइड जो है मीडियन को आपका 2:1 के फॉर्म में तोड़ता है। क्या करता है, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के फॉर्म में तोड़ता है। तो उसने जब 9 को ब्रेक किया तो बेटा उसने ब्रेक किया 6 और 3 के रेशियो में, और जब 6 को ब्रेक किया तो उसने ब्रेक किया 4 और 2 के रेशियो में। तो बेटा ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू आपका 9 + 16, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एच इज इक्वल टू √25। तो एच की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी आपकी, 5 ही आ जाएगी यहाँ से। 5 इज योर राइट आंसर। बताइए बेटा, बात क्लियर होगी सभी को? हेलो ऋषभ, फाइव बेटा आपका राइट आंसर यहां से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आंसर बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर बताइएगा सारे लोग क्या होगा। जल्दी से बताइएगा प्लीज। जल्दी से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना सारे लोग। कमेंट करके जल्दी से बताओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए बेटा सारे लोग, जल्दी से अगले क्वेश्चन का, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कमेंट फास्ट एवरीवन। जल्दी से बताइए बेटा क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपसे, देयर आर 4 persons ए बी सी एंड डी, एंड एट अ टाइम वी कैन अरेंज ओनली 2 persons। While the total number of arrangements, जल्दी से बेटा इसका आंसर होता है एक बार क्या होगा आपका, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऋषभ जल्दी से बेटा ट्राई करो, आंसर बताओ क्या होगा इसका।
कमेंट फास्ट ऋषभ, व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी से ट्राई करिए और आंसर बताइए बेटा क्या हो जाएगा इसका, कमेंट फास्ट। अभी नहीं आया किसी का आंसर। अगर मैं बच्चे यहां पर ट्राई करूं आपका, ठीक है, अगर मैं यहां पर क्या करूं, यहां पर ट्राई करूं, तो बेटा आपके पास चार जो है पर्सन है, ए बी सी एंड डी आपका, ठीक है। तो आपको एक टाइम पे दो पर्सन अरेंज करने हैं, तो बेटा एक टाइम पे ए के साथ बी आ गया आपका, ए के साथ सी आ गया, ए के साथ डी आ गया, यानी कि एक के साथ आपके तीन पेयर बन रहे हैं। कितने नंबर है बेटा आपके पास? चार पर्सन है, तो चारों के साथ तीन तीन पेयर बनेंगे, तो तीन इंटू चार टोटल नंबर ऑफ पेयर बेटा कितने हो जाएंगे? 12 पेयर हो जाएंगे आपके। कितने हो जाएंगे बच्चे? 12 नंबर ऑफ पेयर हो जाएंगे आपके। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्दी से सारे लोग। अगला क्वेश्चन बेटा आप सभी के सामने है, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा आपका। किसी का भी आंसर नहीं आया, किसी का भी एक सिंगल आंसर नहीं आया बेटा, जल्दी से बताओ क्या होगा। ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। व्हेन द एंगल ऑफ द सन बिकम्स 30 डिग्री फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री से 30 हो गया, मैं समझ ना 30 से 60 हो गया, मतलब 30 से ही 60 हो गया, सॉरी। देखो क्या हुआ है, आपका एंगल जो है पहले 60 था, फिर आपका एंगल क्या हो गया, 30 हो गया है, 30 फ्रॉम 60 लिखा हुआ है ना, तो फ्रॉम होता है आपका ओरिजिन। देन द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ टार इज इंक्रीज्ड बाई 40 मीटर, ठीक है, तो कह रहा है वॉट विल बी द हाइट ऑफ द टावर, जल्दी से बताइएगा प्लीज। जल्दी से बेटा बताइएगा इसका आंसर क्या होगा आपका, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, व्हेन द एंगल ऑफ द सन बिकम्स 30 डिग्री फ्रॉम 60 डिग्री, देन द एंगल ऑफ अ शेडो ऑफ अ टावर इंक्रीज्ड बाई 40 मीटर, वॉट विल बी द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिएगा बेटा, जैसे मैंने ये आपकी टावर की हाइट हो गई, तो पहले आपकी टावर कुछ थी, टावर की हाइट थी x मीटर परछाई की, फिर उसके बाद 40 मीटर इंक्रीज हो गई, कब, जब आपका एंगल जो है 30 हो गया, कब से, पहले 60 था फिर आपका 30 हो गया, ठीक है। तो बेटा ये आपका ए बी सी और ये आपका हो गया डी। तो पहले वाले ट्रायंगल की जब मैं बात करूं, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो वहां पर टेन 60 का अगर मैं यूज करता हूं, तो टेन 60 इज इक्वल टू, अगर मैं इसकी लाइट एच कह दूं, तो एच अपॉन एक्स हो जाएगा आपका, तो वो रूट थ्री इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी, एच अपॉन रूट थ्री, पहली चीज। इधर मैं बात करूं अगर कि ट्रायंगल ए डी एंड सी में, एंगल ए डी एंड सी में, तो बेटा क्या होगा आपका, ए डी सी में क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बेटा
एच अपॉन 40+x, एच अपॉन 40+x, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं, देखिएगा एच अपॉन 40+x हो गया आपका, ठीक। तो ये हो गया हमारा 1/√3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन 40+x, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 40+x इज इक्वल्स टू एच रूट थ्री हो गया आपका। ये एच की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, एच रूट थ्री है, तो यहां रख देता हूं 40+h√3 इज इक्वल्स टू h√3, तो ये उधर आके माइनस हो जाएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, 40√3 इज इक्वल्स टू आपका 2h। इसको सॉल्व कर लेना, आपकी ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। तो h की वैल्यू यहां से बेटा क्या आ जाएगी आपकी, 20√3 आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। जल्दी से बताइए, बात क्लियर हुई कुछ? जल्दी से बताइए बेटा, बात क्लियर है सबको? अगर बेटा बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। जल्दी से बेटा बताइएगा क्या हो जाएगा कमेंट करके आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कमेंट फास्ट बेटा, जल्दी से आंसर बताइए सारे लोग, क्या होगा इसका। देखिए क्या कह रहा है आपसे, 12 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 8 डेज। देखते हैं किसका आंसर आता है, पहले देखते हैं भाई, वेट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले तो देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट फास्ट, जल्दी से बताओ सारे लोग, 12 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 8 डेज, 6 डेज आफ्टर दे स्टार्ट 4 मोर मैन ज्वाइन देम। चलिए जी बात करते हैं हम लोग एक बार। तो बेटा अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो 12 लोगों ने काम करना शुरू किया, उन्होंने 8 दिन में काम कर लेना था, बट आफ्टर 6 डेज 4 मैन, यानी कि 12 लोगों का 12 मैन का वर्क आपका कितने दिन का बचा हुआ था, 2 डेज का। 4 मोर मैन ज्वाइन देम, यानी कि 12+4 यानी कि बेटा 16 मैन हो गया, 16 मैन ज्वाइन देम। तो बेटा क्या हो जाएगा आपका, जब ज्वाइन कर लिया तो हाउ मैनी मोर डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। तो बेटा क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, तो देखिए मैन से मैन कट गया, 4 3 12, 4 4 हो गया आपका, 2 2 4 हो गया, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। 3/2 क्या होता है आपका, 1.5 डेज आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। बताइए जी बात क्लियर है सभी को, जल्दी से बताओ बेटा बात क्लियर है सभी को। ठीक है, अगर बेटा बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कमेंट करके आंसर बताइएगा।
जल्दी से बेटा इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, कमेंट फास्ट एवरीवन। जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चे लोग क्या हो जाएगा, कमेंट फास्ट एवरीवन। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसके बारे में बात करूं, तो बेटा क्या होगा, टू साइक्लिस्ट कवर द सेम डिस्टेंस एट 15 किलोमीटर पर आवर एंड 16 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ईच इफ वन टेक 16 मिनट्स लॉन्गर देन द अदर डज। ठीक है, तो बेटा देखो ऑब्वियस ही बात है, जिसकी स्पीड कम होगी वो टाइम ज़्यादा लेगा, यानी कि अगर डिस्टेंस आपकी एक्स है तो एक 15 की स्पीड से चला, एक चला आपका 16 की स्पीड से, और इनका जो डिस्टेंस है वो है बेटा आपका 16 मिनट। इसको आर में बदलने के लिए मैंने क्या किया, 60 से डिवाइड, तो 4 4 16 ये हो गया बेटा आपका 15। एलसीएम ले लिया मैंने, कितना हो गया 16 × 15, ये आ गया बेटा आपका 16x-15x इज़ टू 4/15। 15 से 15 आपका कैंसिल आउट हो गया बच्चा, ठीक है, तो x इज़ टू कितना आ गया आपका 64 किलोमीटर इज योर राइट आंसर। 64 किलोमीटर बेटा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, आई होप ये क्लियर है सभी को। अगर बेटा ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएगा प्लीज, अगर बेटा ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएगा सभी को। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताइए सारे लोग। जल्दी से बताइए बेटा क्या हो जाएगा आंसर, कमेंट फास्ट एवरीवन। देखिए अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन। अब 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10%, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट इट कंटेन्स 20% वाटर, आपसे ये पूछा गया। चलिए जी बात करते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट इट कंटेन्स 20% वाटर। तो बेटा अगर मैं बात करूँ आपकी, तो पहले आपका 40 लीटर मिक्सचर था जिसमें आपका वाटर कंसिस्टेंसी कितनी थी, वाटर जो था आपका 10% था, इट मीन्स आपका 4 लीटर। तो मिल्क की कंसिस्टेंसी कितनी थी, वो थी बेटा आपकी 90%, इट मीन्स आपकी 36 लीटर। ठीक है ना, कितनी थी बेटा 36 लीटर थी। ठीक, अब आपका 100% हो गया मिक्सचर, नया मिक्सचर जिसमें आपकी वाटर की कंसिस्टेंसी कितनी होगी, 20% होगी। तो बेटा आपसे क्या लिखा गया है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड मस्ट बी एडेड, यानी कि वाटर आपका मिक्स किया गया है, वाटर की क्वांटिटी पर फर्क पड़ा है, लेकिन जो मिल्क की कैपेसिटी थी, क्वांटिटी थी, वो आपकी स्टार्टिंग और फाइनल और इनिशियल में सेम रहेगी। तो बेटा मिल्क आपका यहाँ पर 80% हो जाएगा, बट उसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी, 36 लीटर ही रहेगी, 36 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 80% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 36 लीटर, 20% की वैल्यू हो जाएगी 9 लीटर, और 100% की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी 45 लीटर।
तो स्टार्टिंग में इनिशियल क्वांटिटी की बात करूँ तो आपका 40 लीटर यहाँ पर जो है मिल्क मिक्सचर था, 45 हो गया, इट मींस 5 लीटर वाटर क्या किया गया है, ऐड किया गया है, 5 लीटर आपका वाटर मस्ट बी एडेड इन द मिक्सचर टू मेक द क्वांटिटी ऑफ 20% वाटर कंसिस्टेंसी। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बच्चे सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएगा बेटा सारे लोग क्या हो जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बेटा बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर इसका। जल्दी से बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा। अभी किसी का नहीं है, चलो भाई देखते हैं हम लोग। तो अगर बेटा मैं बात करूं तो पहले साल आपका जो है 1600 रुपीज 3 साल के लिए था और 1100 रुपये आपका 4 साल के लिए था। 1600 रुपीज 3 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी R% अपॉन आपका 100 हो गया इज इक्वल्स टू, ये इधर हो गया बेटा आपका 1100 रुपीज, सॉरी प्लस लगेगा आपका 1100 रुपीज फॉर 4 ईयर एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन आपका 100। देन द इन्वेस्टमेंट बिकम्स 4 50, जो आपका इंटरेस्ट है वो 506। तो बेटा आपका देखो 00 से 00 इधर कैंसिल आउट, ये आपका इधर कैंसिल आउट, तो आपका ये हो गया 48R प्लस आपका 44R इज इक्वल्स टू आपका 506, 92R इज इक्वल्स टू 506। अगर बेटा मैं इसको सॉल्व करूंगा तो R इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 5.5%। R इज इक्वल टू 506 अपॉन 92 करने पर आपका कितना आएगा, 5.5% इज योर राइट आंसर। बताइए बेटा इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। अगला क्वेश्चन बच्चे आप सभी के सामने है, आंसर बताइएगा क्या होगा। जल्दी से बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा इसका आंसर, कमेंट फास्ट एवरीवन। जल्दी से बताइए सारे लोग। A number when divided by 5 leaves a remainder 3. What is the remainder when the square of the same number is divided by 5? देखो इट मीन्स अगर मैं क्या करूं, 5 और 3 आपका कितना हो गया, 8 हो गया। 8 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो बेटा आपका कितना रिमाइंडर बचेगा, आपका 3 बचेगा। अब इसका अगर स्क्वायर हो गया 64, 64 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो आपका 12 टाइम जाएगा, 60 आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, आंसर आपका डी आ जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा।
जल्दी से बेटा इसका आंसर बताना क्या हो जाएगा। कमेंट फास्ट एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर, कमेंट फास्ट। एवरेज ऑफ 10 पॉजिटिव नंबर्स इज एक्स, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 15% देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, प्लीज कमेंट फास्ट। जल्दी से बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा आंसर। एवरेज ऑफ 10 पॉजिटिव, देखो बेटा एक सीधा सा फंडा आपको समझाता हूँ यहाँ पर, कि अगर आपका एवरेज में जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं, सभी में कुछ भी आपका रिकरिंग नंबर्स रिकरिंग टाइप से हो रहा है, यानी कि सब में आपका पाँच पाँच इंक्रीज हो जाए, सब में आपका दस दस घटा दिया जाए, तो एवरेज पर भी वही आपका फर्क पड़ जाता है, यानी कि यहाँ पर आपका 15% इंक्रीज कर दिया गया, तो बेटा एवरेज पर भी आपका इंक्रीज कर दिया जाएगा 15%, तो देन द वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, एवरेज आपका इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 15% से। बताइए जी बात क्लियर है बोलो को, सभी को बेटा बात क्लियर है बोलो जी हाँ, जल्दी से बताओ बेटा सभी को बात क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15% आपका आंसर आ जाएगा, सब में 15% इंक्रीमेंट हुआ है, तो सब एवरेज में भी क्या हो जाएगा, 15% इंक्रीमेंट। समझाते हैं देखिएगा, जैसे मैंने लिखा 2 3 4 5 और आपका 6, मैंने कहा सारे नंबर आपके क्या हो गए, डबल हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज आपका कितना था, यहाँ पर एवरेज था बेटा आपका 4, सारे नंबर आपके डबल हो गए, तो बेटा 4 6 8 10 और 12, तो इस कंडीशन में एवरेज देखो आपका क्या हो गया, 8, यानी कि एवरेज भी आपका ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डबल हो गया। तो अगर सारे नंबर्स में 15% इंक्रीज किया गया है, तो एवरेज भी हमारा क्या हो जाएगा, 15% इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज क्या होगा, सारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं, ठीक है। जल्दी से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। कमेंट फास्ट क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बताइएगा बेटा क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 24 मीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, कमेंट फास्ट एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 24 मीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, प्लीज कमेंट फास्ट। जल्दी से बेटा आंसर बताना सारे लोग, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जल्दी से बेटा बताइए सारे लोग क्या होगा आंसर, कमेंट फास्ट एवरीवन। देखिए क्या कह रहा था, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ, यानी कि जैसे आपका रेक्टेंगल हो गया तो ये बेटा आपका 3x है और ये आपका x है। इफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B यानी कि 2 × 4x + x यानी कि आपका 3x + x यानी कि आपका 4x इज इक्वल्स टू आपका 24। तो बेटा आपका क्या हो गया, 8x इज इक्वल्स टू 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी, 3 आ गई। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड की बात करी जाए तो बेटा आपका क्या है, ए है। मतलब एरिया कैसे निकालोगे आप, जैसे आपका 3x की वैल्यू हो गई 9, 3x की वैल्यू, और x की वैल्यू हो गई बेटा आपकी 3, तो 9 × L × B होता है, 9 × 3 = 27, 27 इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा हुआ है, कमेंट करके आंसर बताइए प्लीज सारे लोग। देखिए सॉल्व करते हैं बेटा, आपका क्या हो जाएगा यहां पर, यहां पर आपका 95 था, यह आपका बेटा 115 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ बेटा आपका, ये इंक्रीज हुआ 20, कितने पर, 95 पर इंटू आपका 100। ठीक है, तो ये आपका हो गया 19 टाइम गया और ये आपका बेटा 4 टाइम गया। तो 400 डिवाइड बाई 19 कर लो आप, 19 × 2 = आपका 38 हो गया। ठीक है, बचा आपका 2 0, 1 टाइम ये आपका 19 हो गया बेटा, 1 आपका बचा। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, फिर आपका 0 लगाएंगे बेटा 0 हो जाएगा, 19 × 5 = 95 यानी कि 21.05 इज योर राइट आंसर। ठीक है, बात क्लियर हो गई सभी को, कितना आ गया बेटा आपका, 21.05 आपका राइट आंसर यहां से आ गया। ठीक, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कमेंट करके आंसर बताएं। जल्दी से बताइएगा बेटा अगले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो देखिएगा, रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ सुगर इनेबल्स अ मैन टू बाई 25 kg मोर सुगर इन ₹225। ठीक है, तो बेटा 10% का अगर डिडक्शन हुआ है उसी की वजह से वो क्या करता है, 25 kg ज्यादा परचेज कर पाता है। ठीक, तो 100% की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 250 हो गई। ठीक है ना, तो व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस, यानी कि पहले वो कम परचेज कर पा रहा था, तो बेटा पहले वो 250 में 25 माइनस कर दो, यानी कि 225 kg ही परचेज कर पा रहा था। कितने रुपए में, 225 में 225 kg परचेज कर पा रहा था, तो बेटा उसकी प्राइस कितना आ गया, 1 रुपीज उसका प्राइस आ गया। बताइए जी, हाँ है ना बेटा, बात क्लियर होगी सभी को। जल्दी से बताओ बेटा, बात क्लियर हो गई सभी को। ठीक है, अगर बेटा बात क्लियर है तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं।
ठीक है ना, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग क्लैट आइकोनिक प्रोग्राम की। तो बेटा क्लैट आइकोनिक प्रोग्राम में आपको क्या मिलता है, डेली प्लस जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस। आइकोनिक में आपको प्लस के फीचर्स के साथ साथ वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन और प्रायोरिटी मिलती है क्लास में, लाइव क्लास में। जब आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 18 सेशन मिलते हैं, 6 मंथ में 36, 12 मंथ में 72 और 24 मंथ में 144 सेशन मिलते हैं बच्चे, ठीक है ना। आगे की बात करें, जब आप 24